अनाथ बेटा। रूपा और शेखर सरिता विहार में रहते हैं। वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश होते हैं। दोनों का शौर्य नाम का एक बेटा भी होता है, जिस पर दोनों ही अपनी जान छिड़कते हैं। शेखर, अब तो आप शौर्य को अपनी गोद से नीचे उतार दीजिए, उसके सोने का टाइम हो रहा है। नहीं रूपा, इसे मेरे पास ही रहने दो प्लीज, मैं थोड़ी देर में इसे बिस्तर में सुला दूंगा। लेकिन कल सुबह आपकी ऑफिस में मीटिंग भी तो है ना, और इसके लिए आपको कल जल्दी भी तो निकलना होगा। जाइए, आप भी जाकर सो जाइए। क्या यार, अभी तो मेरी गोद में आया था मेरा बेटा और तुम उसे लेकर जा रही हो। बाद में कर लेना अपने बेटे से प्यार, अभी जाकर सो जाइए। रूपा शेखर से शौर्य को ले रही होती है कि तभी शौर्य रोने लगता है। शौर्य को रोता देखकर रूपा उसे फिर से शेखर को थमा देती है। आपका बेटा ना एक नंबर का नौटंकी है, बिल्कुल आप पर गया है वो। साफ बोलो ना, तुम्हें जलन होती है हम दोनों बाप बेटे का प्यार देखकर। पहले बड़ा तो होने दो तुम शौर्य को, फिर देखना वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करेगा। देखते हैं देखते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते रूपा की मौत हो जाती है। अब शौर्य 3 साल का हो चुका होता है, जिसके कारण उसकी दादी शेखर पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगती है। शेखर, शौर्य अभी बहुत छोटा है और उसे इस समय एक माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। माँ मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, क्या पता जो दूसरी औरत आएगी वो मेरे बेटे को एक माँ का प्यार दे या ना दे। तो रूपा की छोटी बहन वैशाली से ही शादी क्यों नहीं कर लेता, वो तो शौर्य को एक माँ का प्यार पूरा दे सकती है ना। मैंने कहा ना माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, और अपनी ही पत्नी के बहन से तो हरगिज नहीं। ऊपर से अगर रूपा देख रही होगी तो वो क्या सोचेगी। अपने लिए ना सही, लेकिन तुझे शौर्य के लिए तो शादी करनी ही पड़ेगी ना बेटा। शेखर कुछ कहता उससे पहले ही अंजुमन उसे रूपा की कसम दे देती है, जिसके आगे मजबूर होकर शेखर शादी के लिए हामी भर देता है। देखो वैशाली, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए की है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे एक माँ का भरपूर प्यार दो। शौर्य, आपके साथ साथ मेरा भी कुछ लगता है, अगर आप मुझसे शादी नहीं भी करते तब भी मेरा प्यार शौर्य के लिए कभी कम या ज्यादा नहीं होता। शादी के कुछ दिनों बाद ही शेखर की माँ की भी मौत हो जाती है। वैशाली शौर्य को एक माँ से भी बढ़कर प्यार देती है। शौर्य को लेकर वैशाली का यूं निस्वार्थ प्यार देखकर शेखर को भी उससे प्यार हो जाता है, और कुछ सालों बाद शेखर और वैशाली का भी लड़का हो जाता है। लेकिन इसके बाद वैशाली का शौर्य को लेकर बर्ताव बदलने लगता है। वैशाली, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल शौर्य का जरा भी ध्यान नहीं रख रही हो, मुझे पता नहीं था कि आदित्य के होने के बाद तुम इतना बदल जाओगी। आदित्य मेरा अपना सगा खून है और शौर्य दीदी का, फिर मैं दोनों में अंतर कैसे नहीं करूं? माँ भले ही दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन पिता तो एक है ना। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करता। हाँ तो किसने कहा था आपसे मुझसे शादी करने के लिए? मैं थोड़ी ना आई थी आपके पास, आपकी माँ ही आई थी मेरे घर आपका रिश्ता लेकर। वैशाली, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से में शेखर अपना पैर पटकता हुआ शौर्य को वहां से लेकर चला जाता है। पापा, मम्मा मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ इसलिए मुझसे प्यार नहीं करती? मम्मा नहीं करती तो क्या हुआ बेटा, पापा तो करते हैं ना आपसे प्यार। कुछ दिनों के बाद, आज तुझे खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, चल चुपचाप से अपने रूम में जाकर सो जा। माँ, अब भाई को खाना क्यों नहीं दे रही हो? बेटा तू आराम से खाना खा, इस नालायक की चिंता मत कर, एक दिन खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा ये। अगर भैया नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तू अपने भाई का भक्त क्यों बन रहा है? ये तेरा सौतेला भाई है, सगा नहीं जो तू लक्ष्मण बन रहा है। माँ, आपको इतना भी नहीं मालूम, श्री राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे। श्री राम माता कौशल्या और लक्ष्मण माता सुमित्रा की कोख से जन्मे थे। दोनों के सिर्फ पिता एक थे लेकिन माँ अलग थी। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है,
ये सतयुग और त्रेता युग नहीं है, समझे? आया बड़ा भाई का चमचा। इतना कहकर वैशाली वहां से चली जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद शिखर वहां आता है और आदित्य उसे सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दो शौर्या, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे दूसरी शादी का फैसला करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं दूसरी शादी नहीं करता तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती। नहीं पापा, अगर आप शादी नहीं करते तो मुझे आदित्य जैसा छोटा भाई कभी नहीं मिलता। थैंक यू मुझे इतना अच्छा भाई देने के लिए। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना, फिर कोई भी तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिलाकर लाता हूँ, बहुत भूख लग रही है ना। शिखर शौर्य और आदित्य को आइसक्रीम दिलाने लेकर जाता है। वो दोनों को पार्क में खड़ा करके आइसक्रीम लेने जा ही रहा होता है, तभी तेज रफ्तार से आती हुई एक गाड़ी उसे कुचल देती है और उसी पल शेखर की मौत हो जाती है, जिसके बाद शौर्य की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। सुन रे चिरकुट, इस घर के किसी भी सामान को मेरी मर्जी के बगैर हाथ मत लगाना। इन सब पर अब तेरा कोई हक नहीं है, समझा? ठीक है माँ, मैं आपकी इजाजत के बगैर किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। चल जाकर अब पूरे घर की सफाई कर। महज 7 साल का शौर्य वैशाली के कहने पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरे घर की सफाई करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन मासी से माँ बनी वैशाली को उस मासूम से बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आता। क्यों शौर्य, ये घर में इतनी गंदगी कैसे हो रही है? ढंग से सफाई नहीं की है क्या तूने? माँ मैंने तो अच्छे से सफाई की थी, लेकिन आदित्य बार बार इधर उधर चलकर गंदा कर देता है। अच्छा, खुद से एक काम ढंग से नहीं होता और अपनी गलतियों का जिम्मेदार मेरे बेटे को ठहराता है। इतना कहकर वैशाली बांस का डंडा उठाकर शौर्य को जोर जोर से मारने लगती है। तभी वहां वैशाली के मायके वाले भी आ जाते हैं और उसकी सारी करतूतें देख लेते हैं। माँ मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे भी आदित्य के जितना प्यार करोगी? बोलिए ना माँ, मेरे क्या करने से आपके अंदर मेरे लिए ममता जागेगी? वैशाली शौर्य की एक नहीं सुनती, उसके ऊपर डंडे बरसाती जाती है। हद पार होते देख वैशाली की माँ उसका हाथ पकड़ती है और जोर से उसे थप्पड़ मारती है। यही सब करने के लिए तूने दामाद जी से शादी की थी? हमने सपने में भी तुझसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। तू माँ नहीं, माँ के नाम पर एक धब्बा है। बस कीजिए माँ, आदित्य के इस दुनिया में आने से पहले मैंने इसे बहुत प्यार किया था, लेकिन अब जब मेरी खुद की औलाद है तो मैं किसी और के बच्चे से प्यार क्यों करूं? अरे नालायक औरत, जिसे तू किसी और का बच्चा कह रही है वो तेरी खुद की सगी बहन का बच्चा है। बहन है तो क्या हुआ, मेरे अपने बच्चे से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना ये कभी? अगर यही बात थी तो तू हमें पहले बता देती, हम शौर्य को अपने साथ ले जाते, उसे इस तरह प्रताड़ित करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको लेकर जाना है ना तो ले जाइए इसे, मैं नहीं रोकूंगी। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं तेरी कोई माँ बाबा नहीं हूँ, तेरी माँ मर चुकी है, समझा? अब निकल जा मेरे घर से। माँ अब बहुत गंदी हो, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ, मैं भी भाई के साथ ही जाऊंगा। अरे तू क्यों जाएगा, तू तो मेरा सगा बेटा है, जाने दे इसे, हम यहाँ ऐश से रहेंगे। तुम्हारे पापा बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ गए हैं तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मुझे भाई के साथ जाना है, आप अच्छी नहीं हो, आप बहुत बुरी हो, अब भाई को बहुत परेशान करती हो। देख वैशाली, तुझसे ज्यादा समझ तो इस मासूम बच्चे में है। ये तेरे बुरे कर्मों का ही नतीजा है जो आज तेरी सगी औलाद खुद से तुझे ठुकरा रही है। आदित्य, तुझे इस शौर्य ने भड़काया है ना मेरे खिलाफ? नहीं माँ, मुझे किसी ने भड़काया नहीं, पर मैं सब देखता हूँ, सब समझता हूँ, भाई बहुत अच्छा है, वो आपकी जैसा नहीं है, चलिए नानी। इतना कहकर वैशाली के मायके वाले आदित्य और शौर्य को अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह वैशाली बड़े से घर में अकेली पड़ जाती है। दो दो बेटों के होते हुए भी आज उसे माँ कहकर बुलाने वाला कोई नहीं होता।